नमस्कार, मैं नीतू, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आगे की खबरों से रूबरू होते हैं। इलाहाबाद स्थित DHFL होम लोन बैंक की KP कम्युनिटी सेंटर में होम लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय स्टाम्प मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी ने मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हर किसी के पास 2022 तक घर होगा। हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 तक की सब्सिडी सुविधा भी दिया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन KDHFL के वाइस प्रेसिडेंट कविता दास जी ने बताया कि हमारे यहाँ 50% प्रोसेसिंग फीस में डिस्काउंट होगा और कार्यक्रम में मौजूद रहे जोनल सेल्स मैनेजर गौरव जायसवाल, रिजवन सेल्स मैनेजर से रितेश शर्मा, रियल इस्टेट व प्रॉपर्टी डीलर और हाउसिंग लोन से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री का नारा है और उसको धरातल पर दिखाई पड़े उसके लिए दिन रात 24 घंटे काम करते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना छुट्टी लिए इस देश को दुनिया में ऊंचाई पर ले जाने का काम, और पूरी दुनिया में हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है जी। उनके मन में है कि 2022 तक एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सर पर छत ना हो, डबल हाउस सबको मिले, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ DHFL को, जिन्होंने ब्याज गृह उत्सव का कार्यक्रम कराया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर और रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग जो फ्लैट बना करके प्लाट भी दे रहे हैं और फ्लैट भी दे रहे हैं कंप्लीट, और ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी DHFL तुरंत ऑन द स्पॉट लोन सेंक्शन कर रही है, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो छूट है वो भी लोगों को मिलेगी। अलीगढ़ के विजयगढ़ में ग्राम बाराकला वो ग्राम बघिया के लोगों में आपसी मिलन, जिसमें दोनों पक्षों में ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर हुआ, जिसमें बाराकला के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। बाराकला के ग्राम प्रधान केजी से बात करते फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने बताया कि ग्राम व बघियार के लोगों की थाना अध्यक्ष विजयगढ़ ने जायजा लेने से इनकार कर दिया, जिसमें आला अधिकारी को संख्या दिया। क्या मामला था ये? हमारे गाँव के लोग पशु चराने गए थे और उसर के मैटर में पहले से रंजिश चल रही थी इनसे, तो उसी रंजिश में इन्होंने इनको पीटा, बहुत बुरी तरह पीटा, बहुत चोटें आई इनको। ये सारे वाल्मीकि और हमारे जाटव भाई थे। आपके गांव के? हाँ, हमारे गांव के थे। अच्छा, वो कौन लोग थे? वो यादव थे। यादव कहाँ के थे वो? ये यादव बघियार के थे। तो पुरानी कोई रंजिश चल रही थी इनसे? हाँ, पुरानी रंजिश चल रही थी, 27 साल से इनसे केस चल रहा है, और केस में इन्होंने फर्जी पत्ता भी बना के अपने नाम सारी जमीन कर ली थी। इसी चक्कर में इनसे बहुत दिन से रंजिश चल रही है, 500 बीघे खाली करा दी थी DM साहब ने पहले। अभी प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? अभी जो प्रशासन ने बोल रखा है कि अभी खाली कराएंगे, जिसकी तहरी तुमने कहीं दी जो है? हाँ, दे दी DM साहब को, दे दी और थाने में भी एक दो बार रिपोर्ट लिखाई। अच्छा, DM साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? DM साहब ने कहा कि मैं इसको खाली करा दूंगा, जल्द खाली कराऊंगा। हाँ, जल्दी खाली। अभी मारपीट के मामले में पुलिस क्या कर रही है? अब मारपीट के मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। अभी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने उनको पूछा, सब उन्होंने सब बाकायदा बताया। ठीक है, आप ग्राम प्रधान है यहाँ के? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत। अलीगढ़ के नगर पंचायत विजयगढ़ में शांतिपूर्वक मनाया गया ताजिए का पर्व, जिसमें लोगों ने निकाला ताजिया, जिसमें हिंदू मुस्लिम लोगों ने एकजुट होकर भारी मात्रा में योगदान दिया। वहां के थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की देखरेख में प्रशंसनीय रहा। अलीगढ़ में छुर्रा विधायक के आवास पर भाजपा कार्यालय व एक साल के कार्यालय पर पुस्तक विमोचन व नेम प्लेट वितरण किया गया। इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुशील बंसल जी के कर कमलों द्वारा किया गया।
जिसमें श्री भवानी सिंह, संगठन मंत्री ब्रज रजनीकांत महेश्वरी व महानगर अध्यक्ष, विधायक व मंडल अध्यक्ष बुद्ध अध्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित रहे और पुस्तक विमोचन सभी को देकर समाप्त किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिला। वहां 8 साल के बच्चे को पंपलेट वितरण कराई गई। मीडिया से बात करते रजनीकांत महेश्वरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र, जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं हैं, उनसे सीधे जुड़ने का प्रयास होगा और उन सभी कार्यकर्ताओं को, यह देश की जनता है, क्षेत्र की जो जनता है, उनको टोल फ्री नंबर दिया है 8401400400 के माध्यम से उनका सीधा जुड़ाव होगा और पार्टी की जो नीति रीति है उसके बारे में विचार भी होगा और क्षेत्र की जो समस्या है उनका सीधा निस्तारण होगा। सर, जिस तरीके से 5 आरोपी थे और उन्होंने केवल पुजारियों की हत्या करते थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते थे, वही पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, तो जो मीडिया ने भी आरोप लगाया और विधायकों ने भी आरोप लगाया कि ये एनकाउंटर फर्जी है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं? सरकार का नजरिया सीधा साफ है कि जो भी अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिए और किस तरीके से मिलने चाहिए ये परमात्मा तय करता है, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन कुल मिला के अपराध नियंत्रण में रहना चाहिए। उन्होंने आज जो रामलीला का उद्घाटन हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रामलीला का यहाँ पर होती रही है, 5-6 वर्षों तक यहाँ के कलाकार रामलीला को मंचन करते थे, अब 4-5 साल से वृंदावन में। उद्घाटन में मुख्य अतिथि कहाँ कहाँ से आए? वृंदावन के श्री गिरीशानंद जी सरस्वती जी वृंदावन से आ रहे हैं, मुक्तानंद जी वलवर से आ रहे हैं, ये महान संत हैं, उनके आशीर्वाद से आज इसका उद्घाटन हुआ। श्री आशीष शर्मा जो की जिला परिषद और बीजगढ़ के कुछ ऐसे युवा जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में योगदान दिया है, उन सभी को याद किया। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज से श्री रामलीला का यहाँ मंचन होगा। भगवान श्री राम हमारे आदर्श, वाल्मीकि रामायण में कहा राम विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म के स्वरूप, जीवन में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परिवार में माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और उनको किस प्रकार से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो घबराना नहीं चाहिए, कितनी भी विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कर्तव्य पथ पर चलता रहता है उसका जीवन धन्य होता है। आज लगभग 17 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था और उनके कर्तव्य कर्मों के द्वारा आज भी हम उनको स्मरण करते हैं, आज भी बड़े श्रद्धा भाव से उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके उत्तम कर्म थे, उनके श्रेष्ठ कर्म थे और भगवान के अवतार थे, लीला थी, लेकिन यदि हम अपने जीवन में उनको धारण करना चाहें तो जैसे भगवान राम की यशो गाथा आज तक हम बड़े श्रद्धा और भाव से गाते हैं, यदि उत्तम कर्म किया जाए तो व्यक्ति का जीवन भी धन्य होता है, यश भी मिलता है और जीवन की जो यथार्थता है भगवान की प्राप्ति भी होती है। ये रामलीला के मंचन का उद्देश्य इतना ही है कि लोग धर्म में स्थित हों, आदर्शों का पालन करें, सदाचार संपन्न हो, व्यवहार कुशल हो और जो जीवन का क्षेत्र है जो हमारे जीवन चल रहा है उसमें। आगे खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।